श्रीनगर के नगीन इलाके में ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक का बंगला है। बड़ी सी कोठी है, ऊंची दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे, लेकिन अगर आप उसके अंदर देखें तो कोई जम्मू कश्मीर पुलिस या सीआरपीएफ का कोई सिपाही यहाँ तैनात नहीं है। ना यहाँ कोई बैरिकेड्स लगे हैं, ना कोई गाड़ियाँ हैं, ना कोई सुरक्षा है। सरकार ने ये आदेश पास कर दिया है कि अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं को, 5 हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं को कोई सुरक्षा नहीं दी जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में 10 करोड़ से ज्यादा रुपए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं की सुरक्षा पर खर्च किए जा चुके हैं। 5 हुर्रियत नेताओं की सुरक्षा को हटा दिया गया है। सैयद अली शाह गिलानी के पास निजी सुरक्षा तो इस समय नहीं है, लेकिन क्योंकि उनको अपने घर में ही नजरबंद किया है तो उनके घर के बाहर अभी सीआरपीएफ और जम्मू और कश्मीर पुलिस दोनों के ही दस्ते मौजूद हैं। पुलवामा में हुए हमले के बाद भारत सरकार ने एक और कड़ा फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर में हुर्रियत नेता जितने भी हैं उनकी सिक्योरिटी जो है उसको तुरंत वापस लेने का फैसला किया गया है। फिलहाल सिर्फ 5 हुर्रियत नेताओं को सरकार की तरफ से सुरक्षा मिली थी, जिनमें मीरवाइज उमर फारूक जो कि हुर्रियत चेयरमैन हैं और साथ ही साथ प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट जो कि एक्स चेयरमैन है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के, बिलाल लोन उनको सिक्योरिटी मिली थी और साथ ही साथ फाजल हक कुरैशी को 2 पुलिसकर्मी मिले थे सुरक्षा के लिए। उन सभी हुर्रियत नेताओं की सुरक्षा जो है तुरंत वापस लेने का फैसला सरकार ने किया है। फिलहाल जो सिक्योरिटी है अभी हुर्रियत नेताओं के घरों पर लगी हुई है, लेकिन उसको अब धीरे धीरे जो है हटाया जाएगा। लेकिन हम अभी इस वक्त हुर्रियत के एक्स चेयरमैन प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट के घर में बैठे हैं। उनका साफ कहना है कि वो इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इतना उन्होंने साफ कहा कि हमने कभी सरकार से सिक्योरिटी मांगी नहीं थी, उन्होंने खुद रखी थी और आज खुद वो वापस ले रहे हैं।